वेलकम टू पताया सिटी। अब हम पताया सिटी पहुंच चुके हैं और यहां पर वेदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा चल रही है, मौसम काफ़ी बेहतर है। सन ब्लॉक की ज़रूरत थी तो सन ब्लॉक मैंने लगा लिया है और पूरा क्रू हमारा यहां पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल शाइनिंग डे। पताया सिटी बैंकॉक की निस्बत काफ़ी महंगा है, इसकी वजह यहाँ पर के लोगों का स्लोगन है नो मनी नो हनी। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बहुत महंगी है, बैंकॉक की निस्बत काफ़ी चीज़ें यहाँ पर महंगी है, मगर बेटर देन अदर कंट्री और काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ पर। इस एरिया का नाम कोरल आइलैंड है और हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई है इंशाल्लाह, तो हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। ये क्या फीलिंग है आपकी यहाँ पर आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और गर्मी खबरें नहीं सुनानी है यहाँ पर। हाँ गर्मी ज़्यादा है, बाकी फुल एंजॉय करें जो भी है यहाँ पे, घूमने फिरने का बहुत अच्छा प्लान है। यहाँ बीच है, आप इस पे कश्ती की सैर करें, जो हमारी जुबान में कहते हैं कश्ती, यॉट जिसको कहते हैं, इसके अलावा स्विमिंग करें अगर आती है तो। स्पीड बोट की राइड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने बहुत शोर मचाया है कि जल्दी से पहुँचो जल्दी से पहुँचो। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैंने उस साइड से अपने ग्लासेस और कैप लेनी थी, सो आई एम रनिंग। कोरल आइलैंड और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। वेट अ मिनट, मैं अपनी ग्लासेस ठीक कर रहा हूँ। दिस इज़ कोरल आइलैंड और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर यार एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, हवा बहुत ठंडी चल रही है लेकिन गर्मी अभी भी मौजूद है तकरीबन, और बहुत ज़बरदस्त है माहौल यहाँ पर। माहौल देखिए, रिफ्रेशमेंट हम कर चुके हैं और रिफ्रेशमेंट के बाद हम यहाँ पर आने लगे हैं और देखते हैं बीच साइड पे क्या है, एंजॉय कर सकते हैं। ये कोरल आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर जो एक अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग
यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और साइड एरिया यहाँ पर सी एरिया बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं आप, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और जिसको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये आमिर है मेरा दोस्त, मेरा कुलीग, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके साथ कोरल आइलैंड में। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? माशाल्लाह यहाँ से जब आया, माशाल्लाह यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई मिजाज शरीफ हो रहा था। आजा 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 वेटिंग कर लो। हाँ हाँ बता, जो तूने मुसलमान वाले यहाँ काम किए बता, कड़ी नमाज पढ़ी है? क्या पढ़ा मुझे बता। अच्छा यार, ऐसे पहले ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ आया हूँ तो माशाल्लाह तबीयत, यहाँ इसकी तबीयत ना फ्रेश हो गई है। कुछ चीज़ें इसने यहाँ पर ऐसी देखी हैं जिससे इसकी तबीयत फ्रेश हो गई है। बहुत अच्छा माहौल है और बंदे की तबीयत वाकई फ्रेश हो जाती है यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमोसफेयर, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं और काफ़ी इन्जॉय करने को मिला है, काफ़ी मज़ा आया है। अब हमारा प्लान है कि हम लंच के लिए जाएंगे मुंबई रेस्टोरेंट, तो इंशाल्लाह वहीं पर जाकर आपको अपडेट करूंगा कि वहां की क्या सिचुएशन है। अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं ओसाका रेस्टोरेंट, तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, देखते हैं वहाँ का खाना कैसा होगा। अंग्रेज़ा खाना भी खा है। अच्छा